Hello students, today we'll do third chapter of 6th NCERT English book. The name of the chapter is Taro's Reward. टारो बेटा एक वुड कटर का नेम था जो अपने ओल्ड पेरेंट्स के साथ रहता था. वो सारी चीज़ें अपने ओल्ड पेरेंट्स को देना चाहता था जिनकी उनको ज़रूरत थी, और इस चीज़ से खुश होकर भगवान ने उसको एक रिवॉर्ड दिया, गॉड ने उसको एक रिवॉर्ड दिया. और वो रिवॉर्ड क्या था, चलिए हम चैप्टर को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं. लेट स्टार्ट. अ यंग वुड कटर नेम टारो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लॉनली हिल साइड. टारो नाम का एक यंग वुड कटर मीन्स लकड़हारा जो लकड़ियों को काटता है, अपने मदर और फादर के साथ एक एकांत पहाड़ी पर रहता था. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्न्ड लिटिल मनी. और सारा दिन वो जो है लकड़ियाँ काटता रहता था. चॉप मीन्स कट इन टू पीसेस. सारा दिन लकड़ियाँ काटता रहता था. हालांकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था लेकिन फिर भी उसको बहुत कम मनी मिलती थी. ओके, दिस मेड हिम सैड फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरी थिंग दे नीडिड. और इस चीज़ ने उसको सैड बना दिया क्योंकि वो एक थॉटफुल सन था. थॉटफुल सन मीन्स वो अपने पेरेंट्स के बारे में हमेशा सोचता रहता था और अपने ओल्ड पेरेंट्स को वो सारी चीज़ें देना चाहता था जिनकी उसको ज़रूरत थी. One evening then Taro, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक शाम जब टारो और उसके पेरेंट्स अपनी हट में बैठे हुए थे तो स्ट्रॉन्ग विंड वहाँ पर ब्लो करना शुरू हो गई. इट whistled थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड everyone felt very cold. और ये जो है हट की जो क्रैक्स मीन्स दरारें, हट की जो दरारें थी उन दरारों में से हवा पास करते हुए अंदर आई और घर के अंदर जितने भी लोग थे सबको ठंड लगने लगी. टारोज फादर सेड आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड. और तभी अचानक टारो के पेरेंट्स कहते हैं, मेरी इच्छा है कि काश मेरे पास एक कप शेक होता जो कि मुझे गर्मी प्रदान करता और मेरे जो बूढ़ा दिल है, मेरा जो ओल्ड हार्ट है, उसको भी ये अच्छा कर देता. दिस मेड टारो सैडर देन एवर फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कोल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. और इससे टारो जो है पहले से भी ज़्यादा उदास हो गया क्योंकि ये हार्ट को, हृदय को गर्म करने वाला, दिल को गर्म करने वाला जो शेक था वो बहुत ज़्यादा महंगा था. हाउ डू आई अर्न मनी ही आस्क्ड हिमसेल्फ, हाउ डू आई गेट लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. वो अपने आप से पूछता है कि मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूँ और किस तरह से मैं अपने ओल्ड फादर के लिए थोड़ा सा शेक ला सकता हूँ जो कि उन्हें गर्मी प्रदान करेगा. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. अब वो जो है पहले से ज़्यादा काम करने की डिसाइड करता है. नेक्स्ट मॉर्निंग टारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट. अगली सुबह जो है टारो और दिनों से भी पहले उठ जाता है, यानी कि यूजुअली जिस टाइम पर वो उठता था उस टाइम से पहले उठ जाता है और फॉरेस्ट की तरफ चल देता है. ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ब एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टेक ऑफ हिज जैकेट. वो काटता गया और सन जो है ऊपर आ गया धीर, और जल्दी ही उसको जो है गर्मी लगने लगी और उसने अपनी जैकेट उतार दी. हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट. उसका गला सूख चुका था और उसका पूरा का पूरा फेस पसीने से गीला हो चुका था. माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई. वो सोचता है कि मेरे बेचारे ओल्ड फादर, काश वो इतनी ही गर्मी फील कर पाते जितनी मैं कर रहा हूँ. एंड व्हाट विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर. और इसके साथ वो पहले से भी ज़्यादा तेज जो है लकड़ियाँ काटना उसने शुरू कर दिया. थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन. और उस मनी के बारे में सोचने लगा जिससे वो सेक खरीदने वाला था और उस सेक से उस ओल्ड मैन यानी कि उसके फादर की बोन्स को गर्मी मिलती. देन सडनली टारो स्टॉप्ड चॉपिंग. और फिर एकदम से टारो ने जो है चॉपिंग यानी कि लकड़ियाँ काटना बंद कर दिया. वट वॉज द साउंड ही हर्ड. और उसको कुछ एक साउंड सुनाई देती है और वो किस चीज़ की साउंड थी. कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर. वो कहता है कि ऐसा हो सकता है कि सचमुच में ऐसा यहाँ पर है कि यहाँ पर पानी बह रहा है. मीन्स कि उसको पता था उस प्लेस के बारे में, आसपास कहीं पर भी पानी नहीं बहता था.
Taro could not remember even seeing or hearing a rushing stream in the part of the forest. और टारो को याद नहीं आ रहा कि कभी उसने जो है फॉरेस्ट के इस एरिया में कभी किसी नदी को या किसी धारा को बहते हुए देखा हो. He was thirsty और वो प्यासा था. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. उसके हाथों से उसकी जो एक्स यानी कि कुल्हाड़ी थी वो गिर जाती है और वो उस डायरेक्शन में भागना शुरू कर देता है जहाँ से वो पानी के बहने की आवाज़ आ रही थी. टारो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. टारो ने एक रॉक के पीछे देखा कि एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल वहाँ पर है. Keening at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it in to his lips. और जहाँ पर पानी बह रहा था वहाँ पर वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है. Keening means घुटनों पर बैठ जाना. वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपने हाथों में पानी लेता है और उस पानी को अपने लिप्स पर अपने होठों पर लगाता है, मतलब उसको पीने के लिए रेडी हो जाता है. Was it water or was it sake? He tasted it again and always it was a delicious sake instead of cold water. वो अपने आप से पूछता है क्या ये वाटर है या फिर ये सेक है. वो उसको बार 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 टेस्ट करता है और हर बार कोल्ड वाटर की जगह यानी कि ठंडे पानी की जगह उसको किस चीज़ का टेस्ट फील होता है, सेक का ही टेस्ट फील होता है. टारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम. टारो जो है जल्दी से वो पीचर मीन्स घड़ा, अ पॉट यूजुअली मेड ऑफ मड, मड से बना हुआ जो एक पॉट होता है जिसको हिंदी में घड़ा कहते हैं बेटा. टारो जल्दी से उस घड़े को भरता है शेक के साथ और जल घर की तरफ दौड़ निकलता है. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक और ओल्ड मैन इस सेक को पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है. आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर. आफ्टर एक घूट सेक पीने के बाद ही उसकी उनका कांपना बंद हो जाता है. शिवरिंग मीन्स कांपना, उनका कांपना बंद हो जाता है और वो उठकर फर्श के बीच में जो है डांस करना शुरू कर देते हैं. दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट. टारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द सेक और उसी दोपहर जो है एक नेबर उनके पास विजिट करने के लिए आते हैं और टारो के फादर ने उन्हें कप एक शेक का एक कप जो है ऑफर किया. द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन और लेडी ने इसको ग्रीडली मीन्स एज इफ डिजायरिंग मोर एंड मोर मीन्स और ज़्यादा चाहना. सो ग्रीडली इसको पिया और टारो के फादर को थैंक्स बोला. देन टारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल. फिर टारो ने उन्हें जो है मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी बताई. थैंकिंग दम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक सी लेफ्ट इन अ हरी और इस डिलीशियस ड्रिंक के लिए थैंक्स करके वो जल्दी से वहाँ से चली गई. By nightfall she had spread the story throughout the whole village और शाम तक रात तक उसने जो है इस स्टोरी को पूरे गांव में फैला दिया था. That evening there was a long procession of visitors of the woodcutter's house और उस शाम को woodcutter के घर में बहुत सारे visitors वहाँ उससे मिलने के लिए आए. Each man heard the story of the waterfall and took a cup of sip of shake और हर एक मैन ने हर एक पर्सन ने वाटरफॉल की कहानी सुनी और हर एक किसी ने जो है शेक की एक घूंट भी पी. इन लेस देन एन आवर द पिचर वॉज एम्प्टी और एक ही घंटे में जो घड़ा था वो पूरी तरह से खाली हो गया. नेक्स्ट मॉर्निंग टारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर और नेक्स्ट मॉर्निंग टारो जो है पहले वाली मॉर्निंग से भी जल्दी उठा अपना काम स्टार्ट करने के लिए. ही कैरिड विद हिम लार्जर पिचर ही ऑन और वो अपने साथ वो बड़ा घड़ा लेकर गया जो उसके पास था, मतलब सभी घड़ों में से उसके पास जो सबसे बड़ा घड़ा था उसने वो अपने साथ ले लिया. फोर ही इंटेंटेड फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द वाटरफॉल और उसको भरने के लिए सबसे पहले वो वाटरफॉल पर जाता है. व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड ऑफ हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल द नेबर्स देयर और जब वो वहाँ पर पहुँचा तो वो देखकर सरप्राइज हो गया कि उसके जितने भी पड़ोसी थे जितने भी नेबर्स तो वो सभी वहीं पर इकट्ठा हो गए थे. दे वर कैरिंग पिचर्स जार्स बकेट्स एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक
और वो जो है उनके पास जो जो भी कुछ था, पीचर, जार, बकेट, जो कुछ था उस शेक को भरने के लिए, मैजिक शेक को भरने के लिए, वो सारी चीज़ें वो अपने साथ लेकर आते हैं। देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, और एक विलेजर वाटरफॉल के पास अपने घुटनों के बल बैठा और उसने जो है पानी को अपने मुंह में लिया। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, उसने बार बार पिया। एंड देन शाउटेड एंगरली, वाटर, नथिंग बट वाटर, अदर्स ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर। और वो गुस्से में चिल्लाता है, पानी के सिवाय कुछ भी नहीं है। और दूसरों ने भी इसको ट्राई किया और उन्होंने भी देखा कि यहाँ पर सिर्फ पानी है, कोई सेक नहीं है। वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स, विलेजर्स चिल्लाते हैं कि हमारे साथ ट्रिक की गई है, मीन्स हमारे साथ धोखा किया गया है। वेर इज टारो, लेट्स ड्रॉन हिम इन द वाटरफॉल, टारो कहाँ पर है, चलो उसको इसी वाटरफॉल में डुबा देते हैं। बट टारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सो हाउ थिंग्स वर गोइंग, लेकिन जब टारो ने देखा कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं, कि भाई उसको तो सेक मिला था लेकिन दूसरों लोगों को यहाँ पर पानी मिल रहा है, तो लोग जैसे गुस्से में थे, सो इसीलिए वो क्या करता है, रॉक के पीछे छिप जाता है, उस पहाड़ी के पीछे ही छिप जाता है जहाँ से वो सारी चीज़ें देख रहा था। ही वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड, और अब वो जो है कहीं पर भी किसी को नहीं मिला। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, मटरिंग मीन बुदबुलाना, बड़बड़ाना, और अपने गुस्से में बड़बड़ाते हुए और डिसअपॉइंटमेंट, दुखी होकर सभी विलेजर्स एक एक करके वहाँ से, उस प्लेस से चले जाते हैं। टारो केम आउट फ्रॉम हिज बिहाइंडिंग प्लेस, टारो अपने छिपे हुए प्लेस से बाहर आता है। वॉज इट ट्रू, द ही वंडर्ड, वो वंडर्ड सरप्राइज हो जाता है, क्या सच में ऐसा ही है, क्या ये वाटर ही है। वॉज द सेक अ ड्रीम, क्या वो सेक मेरे लिए एक सिर्फ एक सपना था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और फिर जो है वो थोड़ा सा पानी अपने, वो थोड़ा सा लिक्विड अपने हाथ में लेता है और अपने लिप्स पर लगाता है। इट वॉज द सेम फाइन सेक, लेकिन अभी भी वो ही वो सेक था, मतलब जब उसने पिया वो सेक ही था, जब नेबर्स पी रहे थे तो वो पानी था। ऐसा क्यों हो रहा था बेटा, क्योंकि नेबर्स तो अपने लालच में, अपने ग्रिड में वहाँ पर आए थे कि भाई हाँ चलो ज़्यादा से ज़्यादा सेक पी कर आते हैं, वो किसी चीज़ के बारे में सोच नहीं रहे थे। लेकिन टारो को तो ये रिवॉर्ड गॉड ने दिया था उसके पेरेंट्स की इतनी केयर करने के लिए। ओके, टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस टेक, टू एवरी वन एल्स इट गिव ओनली कोल्ड वाटर, और इतना विचारशील बेटा होने की वजह से, यानी कि जो वो अपने पेरेंट्स के बारे में इतनी सब कुछ सोच रहा था, इसकी वजह से मैजिक वाटरफॉल ने उस सिर्फ उसी को वो डिलीशियस सेक दिया और उसके अलावा बाकी सभी को कोल्ड वाटर वहाँ पर दिया। द स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द यूरोप एम्परर ऑफ द जापान, और टारो और उसके मैजिक वाटरफॉल की कहानी जापान के एम्परर के पास पहुँची। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, उसने जो है वुड कटर को बुलाया और उसको एज अ रिवॉर्ड, एज अ प्राइज जो है 20 गोल्ड पीसेस दिए उसको, इसका इतना अच्छा और काइंड बनने की वजह से। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टारो, और फिर जो है एम्परर ने सिटी में जो ये फाउंटेन था उसका नेम, जो मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन था सिटी में उसका नेम टारो रख दिया। दिस सेट द एम्परर वॉज टू इंक्रेज ऑल द चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, और वो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि एम्परर जो है सभी बच्चों को एंक्रेज करना चाहता था कि अगर वो भी अपने पेरेंट्स के ओबे करेंगे और ऑनर करेंगे तो उन्हें भी इसी तरह के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अ जैपनीज स्टोरी रिटोल्ड, ये एक जैपनीज स्टोरी है जिसको रिटोल्ड किया गया है। सो बेटा बहुत अच्छी स्टोरी थी और इस स्टोरी से हमने यही सीखा कि हमें जो है अपने पेरेंट्स की केयर करनी चाहिए, उन्हें ऑनर करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके बेटा, सो हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक द चैप्टर, टेल मी इन कमेंट सेक्शन, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।